हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एनजी गेमिंग। आज मैं आप लोगों को फिर से लगा चुका फार्मिंग सिमुलेटर का एक नया ब्रांडी और नया एपिसोड। आज हम इस ग्रास की कटाई करने वाले हैं। आप लोगों ने हमारी अगली वीडियो देखी कि हम लोगों ने इस वीडियो में ग्रास को बोया था जमीन के अंदर, मतलब कि ग्रास की बुआई की थी, और आज हम इस खेत की कटाई करने वाले हैं इस मशीन से। इस क्या कहते हैं इसको, ग्लाइंडर कहते हैं इंग्लिश में। इससे हम काटना स्टार्ट कर चुके हैं। आप देख ही सकते हो कितनी तेज़ी से अपना ट्रैक्टर काटते हुए जा रहा है। 2100-2200 आरपीएम पे अपना ट्रैक्टर काम कर रहा है। देख सकते हो जितनी लंबी घास है इतने बड़े ढेर करते हुए जा रहे हैं। इधर बगल के खेत में मैंने ये 2 बार काटा है तभी इतनी थोड़ा सा हुआ है, मतलब कि उसको भी लंबी होने देना पड़ेगा। कितने तेजी से काटा हुआ निकल गया अपना ट्रैक्टर। ये अपनी दूसरी लेन चल रही है, अपना ट्रैक्टर कितनी तेजी से काम कर रहा है आप देख ही सकते हो। इतनी आसानी से पूरी के पूरी इस ग्रास को काट डाल रहा है। तकरीबन ये 2 मिनट में तो इस पूरे के पूरे खेत को काट डालेगा। खेत थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला है। कितने अच्छे से काटते हुए जरा आप देख सकते हो। हार्वेस्टर ये अपनी तीसरी लेन चल रही है। इस से थोड़ा कम रह जा रहा है इसलिए इधर इस लेन में कुछ कम ही पड़ रहा है। मैंने सोचा आप सिर्फ 2 ही लेन लेके जाएंगे, हम लोग तीसरी लेन ले लें, मतलब तीसरी लाइन नहीं लेंगे। मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। ये अपने पास ये ब्लेड है, ये से 3 लेने करते हुए जा रहा है, लेकिन अब हम एक ब्लेड को साइड पर कर देंगे, मतलब कि अभी आप देख लेना एक ब्लेड को इस तरीके से। कितने अच्छे से काटता है जरा आप देख सकते हैं अपना ट्रैक्टर। वाओ, अपना हेक्टर फेट कंपनी का है रे। ब्रदर्स, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये क्या कहते हैं ग्रास काटने का कटर, मैंने बहुत अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बाय किया था, लेकिन तभी ग्रास इतनी बड़ी नहीं हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पे दवाई के स्प्रे डाला, दवाई का छिड़काव किया, और उसके बाद एक घास इतनी बड़ी हो चुकी है आप देख ही सकते हो। अब हम लोगों को इसमें दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि हम लोग यहाँ पे दूसरा कोई पाक नहीं बो देते, मतलब कि कोई प्लांट्स और नहीं बोएंगे तब तक। अरे यहाँ पे आ चुके हैं। अगर बच गई घास देख सकते हो, इसको रिवर्स ले लेते हैं क्योंकि हम लोग दूसरी बार नहीं आने वाले, इसलिए मैं उस अरे इसलिए मैं थोड़ा उस ओर से दबा के चल रहा था कि ऐसे बच ना जाए अपने क्रॉस। अब आपको मिलता हूँ इस खेत की कटाई के बाद। लोग, इस काफ़ी समय बाद मैंने पूरे के पूरे खेतों को काट लिया है। अब हम अपना जॉन डियर का ट्रैक्टर लेके आने वाले हैं और हम उसमें इस ग्रास को लोड करेंगे और गायों को
खाने के लिए दे देंगे, जिसके वजह से हम गायों से दूध का निकालेंगे। जो अपना बड़ा बड़ा चुंडिया ट्रैक्टर आप देख सकते हो कितना बड़ा, अपनी हाइट से भी बड़ा है। ये हम इसमें बैठ चुके हैं। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। कितनी ज़बरदस्त आवाज़ निकल रहा आप सुन ही सकते हो। इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत जल्द अपने ट्रॉली को फुल कर देगा। लेकिन थोड़ा इस और कम ग्रास पड़ी हुई है, इसलिए थोड़े हो सकता है टाइम लग सकता है। वो कितनी जबर, मुझे इस ट्रैक्टर का यही बात पसंद है कि ये जगह पे से ही मुड़ जाता है, मतलब कि एक कम जगह में आसानी से मुड़ सकता है, इसलिए मुझे ये ट्रैक्टर चलाना बहुत पसंद है। अगर आपको ये ट्रैक्टर पसंद लगा सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दो। क्या लुक आ रहा है इस ट्रैक्टर के, कैसी आवाज़ आ रही है आप सुन सकते हैं अंदर से, इस ट्रॉली के अंदर से मशीन की जैसे ऊपर खींच रही हो। लेकिन क्या करें, आप सोच रहे ये साले खेत में क्यों नहीं ग्रास उठा रहा है, लेकिन क्या करें, इस खेत से उठा लेते हैं पहले। इधर अंदर खेत में भी है लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी बहुत कम है पड़ा हुआ। कितने ज़बरदस्त आवाज़ निकल रहा है ट्रैक्टर, सुन ही सकते हैं आप। मैं सोच रहा हूँ इस खेत को हम लोग बाद में भरेंगे क्योंकि इस और थोड़ी पतली पतली सी लेना है, और जो हम लोगों ने अभी अभी काटा है ये सामने वाला खेत उससे भरते हैं, उसमें मोटी लेना है, जिसकी वजह से अपनी ट्रॉली बहुत जल्द भर जाएगी और गाय को चारा भी वक्त पर मिलता रहेगा। इस खेत का मैंने 2 से 3 बार काटा है तभी इस खेत में इतनी मोटी लेने हुई है। कितनी तेजी से भर रहे हैं आप देख ही सकते हैं अपनी ट्रॉली। कितनी छोटी जगह में मुड़ गई थी इसलिए इतना ही, इधर से 2 लेने छोड़िए, 2 लेनों में ये बीच वाली पट्टी का भी ख़त्म कर देगी। ये आधी ट्रॉली भरने के कदार पे आ चुकी है अपनी। अरे बाप रे, कितने ज़बरदस्त मशीन मुड़े आप लोगों ने अभी देखा ही होगा। तो
अब देख ही सकते हो कैसे अपने ट्रॉली में धीरे धीरे घास बढ़ते जा रही है। चाहे से 2 से 3 लेनों में ये पूरा का पूरी ट्रॉली फुल हो जाएगी। आप लोग देख ही लेना अभी। ये घूम चुका है ट्रैक्टर फिर से अपना। ये दूसरा ट्रैक्टर पे आ गए। ये दूसरे ट्रैक्टर में जाने वाला बटन को साइड पे देना चाहिए था। मतलब कि मेरा कहने का मतलब एक ही है कि इन गेम वालों को कंट्रोल्स को जो खेलता है उसके उसको एडजस्ट करने के लिए देना चाहिए। जैसे कि फ्री फायर में दिया जाता है कंट्रोल्स को उसी की तरह कुछ गेम्स में जो गेमर होता है उसी को कंट्रोल्स को सेट करना होता है। वैसे इस गेम में देते तो मज़ा आता। ये ट्रॉली अपनी 80% भर चुकी है। अरे यार फिर से आ गए। यही मुझे अच्छा नहीं लगता जब हम गेम खेलते हैं दूसरा ट्रैक्टर में चले जाते हैं ऑटोमेटिक ही गई। अभी एक चक्कर में ये अपनी ट्रॉली फुल हो जाएगी। अभी यहाँ से हाँ थोड़ा रेस्ट लेते हैं क्योंकि उस ओर से लेना पड़ेगा तभी अपनी चक्कर अच्छे से लगेगा। जब चढ़ान आती है तो एक ट्रैक्टर कितने भयंकर वाली आवाज़ निकलता है आप लोगों ने सुनी होगी। अपनी ट्रॉली फुल हो चुकी है। अब हम अपनी ट्रॉली को लेकर चलते हैं अपने फार्म पे और वहाँ पे जाके अपने गाय को ये चारा डाल देते हैं जिसकी वजह से गाय अपने को दूध देने लगे बहुत जल्द और जिसकी वजह से हम लोग को भी काफ़ी प्रॉफिट होने लगे। ये होती है ना बात। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दो। और आपको और भी ऐसे और भी फॉर्म्स में हम लोगों को काम करना चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दो। और मैं अब आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक ले बाय बाय।